जैसे आप पहली बार क्लासिक चलाओगे उसके अकॉर्डिंग आप ये समझो खत्म है, और जैसे मतलब हाथ में जो झंझनाहट होना, पैर में झंझनाहट होना, वो सारी दिक्कतें तो इसमें थी नहीं। तो एक इसमें एक सर्विस किट और लगती है जो और किसी रॉयल एनफील्ड की बाइक में नहीं लगती शायद। तो थोड़ा सा ना चला के भी देखते हैं कि कैसा इसका ना पोस्चर बैठता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो भाई आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक ना, बहुत लोगों की डिमांड आती है एक बाइक के ऊपर, मीटियोर। तो मीटियोर का ना ओनरशिप एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। धवल भाई हैं हमारे जो ग्रुप है BMW के अलावा, जिसमें मैं ऐड हूँ, तो हम साथ में ही राइड करते हैं। तो भाई ने नई अभी रिसेंटली ही बाइक ली है और लगभग 3,000 चलाई है। तो पूरा भाई से ही मतलब पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस आप लोगों को ना ओनर से ही दिलवाता हूँ कि क्या कुछ रहता है, कितना मेंटेनेंस रहता है, बाइक लेके मतलब खुश है या फिर ऐसा लगता है कि भाई कुछ गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया। तो वो सारा कुछ आज वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, और लेने का प्लान कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है इजी लैंग्वेज में। तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो जी ये है अपनी मीटियोर जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। लगभग 3,000 के आसपास बाइक चली हुई है, अभी 3 या 4 महीने हुए हैं जस्ट ली हुए। ये है अपने साथ भाई धवल भाई, बाइक के ओनर। तो भाई बताओ कुछ बाइक के बारे में, कैसे चूज़ करा। सबसे पहले तो एक मेरा क्वेश्चन है कि क्या पर्पस था आपका बाइक लेने से पहले, ना बाइक लेना क्यों ले रहे हो? बाइक का मेरा जैसे पहले से बहुत शौक रहा है मेरा बाइक का, कि मुझे बाइक चलानी है, बाइक चलानी है, बाइक राइडिंग करने का शौक है। तो मेरे पास पहले कुछ लगभग 100 cc की कोई नॉर्मल सी बाइक थी, लेकिन अच्छा। फिर मैंने पापा को कहा, पापा एक बाइक मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरा भी काफ़ी ज़्यादा इधर उधर रहता है। तो इसलिए मैंने इस बाइक को देखा, और बाकी मैं बाइक देखने गया था, रॉयल इनफील्ड ही चाहिए थी क्योंकि पापा ने कह दिया था लेनी रॉयल इनफील्ड ही है। अच्छा। तो फिर रॉयल इनफील्ड लेने में गया, तो लेने क्लासिक गए थे, लेकिन मम्मी और पापा को ये पहली नज़र में पसंद आ गई और उन्होंने कह दिया कि लेंगे तो यही लेंगे वरना नहीं ले रहे। तो इस हिसाब से मैंने चूज़ की फिर। अच्छा, क्लासिक लेने गए थे पर पसंद वाली बात है तो, है ना जी। और लेटेस्ट भी यार यही है, हो क्लासिक तो खैर कॉमन हो चुकी बहुत ज़्यादा, कॉमन हो गई है ना, पर ये अभी एक तो उसका सिटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कम्फर्टेबल है लॉन्ग टूरिंग के लिए, अच्छा है, रोड प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है इसकी। तो कितनी चला दी आपने गाड़ी? मैंने इसको लगभग 3,000 कुछ किलोमीटर ली। कब थी? शायद सेप्टेम्बर अगस्त। मतलब लगभग 4-1 महीने में 3,000 के आसपास आपने बाइक चला दी, है ना। तो भाई सिंगल गो में मतलब एक बार में आपने इसको कितना चलाया है अभी तक? मैंने इसको लगभग चलाया है 300 किलोमीटर, 150 और 150 आना जाना। तो मतलब इसका जो रिव्यू था, मैंने फर्स्ट सर्विस कराने के बाद ही इसको ले गया था, तो इतनी रिफाइंड इसका इंजन है, इतना प्यारा इसका ब्रेकिंग है, और मतलब भागती भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, मतलब ये है कि वाइब्रेशन कम है, मतलब कुल मिला के बात ये, मतलब जैसे आप पहली वाली क्लासिक चलाओगे उसके अकॉर्डिंग आप ये समझो खत्म है वाइब्रेशन। अच्छा। जो नई क्लासिक आई है उसमें भी इसी का इंजन, सेम इंजन है, सेम इंजन है, और सेम ये जो ना ड्यूल वाला चेसी है, सारी चीजें सेम है, जैसे इसके जो कंट्रोल्स हैं वो सेम है, पीछे का थोड़ा सा लुक उसका हल्का फुल्का सेम दिया है, और जैसे मतलब हाथ में जो झंझनाहट होना, पैर में झंझनाहट होना, वो सारी दिक्कतें तो इसमें थी नहीं। तो इतनी कंफर्टेबल थी ना मैं, विदाउट एनी प्रॉब्लम मैं इसको सिंगल गो में ले गया। तो ये चीज़ जो भाई बोल रहे हैं ना, हाथ में वाइब्रेशन, ये फुट पैक्स में वाइब्रेशन फील होना, तो ये क्लासिक में होती थी पहले वाली में बहुत होती थी। मैंने क्लासिक रिसेंटली चलाई भी थी, पुरानी वाली, उसको चलाकर तो ऐसा लग रहा था मैं किसी ट्रैक्टर या फिर ट्रक में बैठा हूँ, क्योंकि बहुत हिल रही थी, वो बहुत हिल रही थी। तो ऐसा लग रहा था उसका इंजन में कोई गड़बड़ी है या फिर ऐसे ही नहीं, लेकिन मैंने उनके ओनर से पूछा, वो कह रहे थे कि स्टार्टिंग से इनफील्ड ऐसी है, तो उसके कंपेरेटिवली ये बहुत रिफाइंड है, बहुत साइलेंट है। और क्लासिक तो खैर मैं भी ना 5 साल रहा हुआ हूँ, आपको पता नहीं होगा ये बात, मेरे पास 5 साल तक क्लासिक थी, उसमें मतलब मैंने भी वाइब्रेशन की वजह से ही परेशान होकर उसे बेचा जी, था जी। तो अब ये बताओ ये कितने की पड़ी थी ऑन रोड? ये मेरे को ऑन रोड पड़ गई थी लगभग 2,35 की, 2,35,000 विद लेग गार्ड। अच्छा। और बाकी इसके जो इंश्योरेंस वगैरह होता है थर्ड पार्टी 5+1 जो रहता है। अच्छा, वो तो थर्ड पार्टी और वो जो कॉम्प्रिहेंसिव वाला सीन रहता है। तो आप लोगों को बता दूं, अपना मीटियोर में ना 3 वेरिएंट्स आते हैं, एक इसमें अलग अपना जो विंडशील्ड आ जाती है, किसी में कुछ अलग चेंज रहता है, तो जो सबसे अच्छा और जो मतलब ना भाई की एज है उसके अकॉर्डिंग यही वाला वेरिएंट रहता है। तो मीटियोर ना मैं भी जब बाइक चूज़ कर रहा था ना तो मैंने भी देखी थी, पर मुझे इसका कलर पसंद आया था जो येलो वाला आता था ना, उसका येलो वाला भी था, येलो वाला उनके पास था नहीं, और मुझे बाइक चाहिए थी 5-6 दिन में ही। अच्छा। तो येलो वाले के लिए वो कह रहे थे आपको 4 महीने की वेटिंग करनी पड़ेगी, मैंने कहा इतनी वेटिंग मेरे से होगी नहीं, तो जो उनके शोरूम में था रेड मैंने वही निकाला।
अच्छा एक चीज ये बताओ, इसमें मतलब सर्विस इंटरवल क्या रहता है इसका? सर्विस इंटरवल रहता है, पहली सर्विस होती है 500 किलोमीटर पर या फिर महीने भर में हो जाती है, उसके बाद होती है या तो आपके 5000 किलोमीटर होने चाहिए या फिर 6 महीने पहले कंप्लीट होने चाहिए। अच्छा, बट इनमें ये चीज़ मुझे पहली बार पता चली कि इनकी जो सेकंड सर्विस है उसमें ऑयल चेंज वगैरह ये सब नहीं होता, बहुत बेसिक सर्विस होती है। एक इसमें एक सर्विस किट और लगती है जो और किसी रॉयल इनफील्ड की बाइक में नहीं लगती शायद। अच्छा, वो इसमें लगती है, उसमें कुछ दो चार पार्ट्स होते हैं वो लगते हैं, बाकी सर्विस भी बहुत बढ़िया करके दी थी, मतलब स्टोर जो है हमारा जयपुर का वो भी बहुत शानदार है। अच्छा, कंपनी से ही करवाई थी वो, तो फिर अभी तो वो फ्री वाला होगा, लेबर फ्री वाला चार्ज। तो एक सर्विस हुई है मतलब ना अभी तक? नहीं, इसकी दो सर्विस हो गई, एक 500 पे हो गई और एक 6 महीने वाली हो गई। अच्छा, 6 मतलब किलोमीटर आपके पूरे नहीं हुए पर टाइम हो गया था। टाइम हो गया था। तो कैसा मतलब संतुष्ट हो सर्विसिंग से? मैंने उनको जितनी भी दिक्कतें बताई, दिक्कतें नॉर्मल जैसे कि मैं पहली बार रॉयल एनफील्ड ओन कर रहा हूँ तो मैंने उनको काफ़ी चीज़ें बताई, जैसे कि गियर बॉक्स इसका बहुत हार्ड लग रहा है मुझे, और काफ़ी चीज़ें मैंने उनको बताई, लेकिन उन्होंने एक एक चीज़ मेरे को समझाई कि ऐसे होता है, ये इनका इंजन थोड़ा सा बहुत बड़ा होता है, सीसी ज़्यादा है, इस चक्कर में इनमें थोड़ा सा गियर का वो होता ही है। और सिटिंग कम्फर्ट की अगर अपन बात करें तो सिटिंग कम्फर्ट कैसा है इसका? सिटिंग कंफर्ट एकदम बढ़िया है इसका, जो पीछे का जो एक कर्व है ना, ये अपने बैक को इतना सपोर्ट देता है कि आपके ना शोल्डर पेन करते हैं ना आपकी बैक पेन कर दी, और मेरे को तो क्या है अधिकतर दिक्कत ये है मेरा बैक बहुत पेन करती है हाइट की वजह से। अच्छा, तो इसमें वो दिक्कत बिल्कुल नहीं आई, मैंने लगभग 300 किलोमीटर चला ली, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है इसके लिए। आज सुबह भी अपन 150 किलोमीटर के आसपास चला के आई हैं, चलाए थे मैं एक सिंगल गो में ले गया, तो काफ़ी अच्छा इसकी स्पीड भी अच्छी है, वाइब्रेशन है नहीं, हीटिंग तो नॉर्मल रॉयल इनफील्ड के गाड़ी में रहती है, वो तो आपको वो हीटिंग तो यार देखो 350 इतना बड़ा इंजन है तो कुछ तो थोड़ा बहुत हीटिंग तो आएगी है ना। और इसमें ना अपने को ये वाले स्विचेस मिलते हैं जो कि थोड़ा ना रेट्रो फील वाला, तो ये कैसे लगते हैं तुम्हें इनका यूसेज? मेरे को ये थोड़ा सा है यूनिक है, और यूनिक चीज़ें तो मेरे को ज़्यादा पसंद है, मैं जितनी भी गाड़ियाँ ले रहा हूँ सब ऐसी ली है कि कुछ है ना अलग हो। ठीक है, अब जैसे इसमें इनबिल्ट हज़ार्ड लाइट्स है, ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरे को मार्केट में अलग से काम भी करवाना पड़ा, क्योंकि उसमें काम करवाने में क्या होता है वायर कटिंग ये सब होती है और फिर कंपनी आपका, हाँ फिर वो यार नई चीज़ नई अलग ही रहती है ना। तो भाई अब अगर अपन बात करें जैसे कि सारे अपने नॉर्मल इंडियंस का सबका सवाल रहता है, मेरे से भी जो भी मिलता है वो यही सवाल करता है, और चाहे कि अपने सामने हायाबुसा आ जाए या S1000 RR आ जाए, सामने वाले का क्वेश्चन यही रहता है कि एवरेज क्या देती है, तो बताओ मीटियोर का एवरेज निकाल रहे हो? मीटियोर एवरेज मैंने इसका एवरेज निकाला है, मैंने पूरा कैलकुलेट किया है, हाईवे पे आराम से मैं जब इसको लेके गया था तो इको मोड पे चला रहा था, इसका इको मोड होता है जिसमें आपको पता चलता है कि गाड़ी इस स्पीड पे अच्छा एवरेज दे रही है। अच्छा, इको जैसे काफ़ी लोगों को पता भी होगा, तो इसमें इको मोड है और वो इसमें सबसे अच्छी बात ये 80 पे भी इको मोड देती है। अच्छा, 80 की स्पीड में अगर आप इसको चलाओगे इको मोड पे तो आराम से 35 प्लस इसका एवरेज बिल्कुल देगी, सिटी में अगर इको मोड पे आप चलाओगे तो 32 के अराउंड ही आराम से दे देगी। तो मतलब 34 से 38 पकड़ ले? बिल्कुल 34 से 30 आप कह सकते। और ज़्यादा अच्छे तरह से चला रहे हो तो 40 भी आ ही सकता होगा? आ सकता है, बाकी कंपनी इसका 41 क्लेम करती है, तो मेरे ख्याल से 38 इनफ है इसके लिए। हाँ फिर यार 350 cc का इंजन है, आपको 40 का 35 का भी एवरेज दे रहा है तो बहुत है, बहुत अच्छी बात है ये तो। तो भाई आपने मीटियोर ली है ना, तो उससे पहले कोई दूसरे ऑप्शन भी थे या स्पेसिफिक था कि मीटियोर ही लेनी है क्लासिक ही लेनी है? मीटियोर के बारे में मुझे पर्सनली बिल्कुल पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई मॉडल आता है गाड़ी का, मैं तो क्लासिक दिमाग में थी, पापा अच्छा। भी वही दिमाग में थी, फिर भी मैं पापा को एक बार कहा कि पापा अपन दूसरी बाइक्स भी देख लेते हैं, फिर हमने जावा देखी, जावा में पेराग देख ली, एक 42 देख ली, लेकिन उनमें क्या एक तो ग्राउंड क्लियरेंस नहीं थी और पापा कह रहे थे कि मेरे को वो है ना फील नहीं आ रहा, रॉयल इनफील्ड वाला वो मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा। उसमें बाकी काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो इसमें हैं उसमें नहीं है, बाकी मैंने पापा को स्पोर्ट्स बाइक भी दिखाई, सारी बाइक्स दिखाई, बट पापा एक ही चीज़ पे टिके रहे कि लेनी है तो अब ये रेड वाली लेनी है मीटियोर, नहीं तो नहीं लेनी। अच्छा, मतलब घर वालों की पसंद थी कुल मिला के, फैमिली की पसंद थी? बाद में अब मेरी पसंद हो गई क्योंकि मेरा तो स्पोर्ट्स बाइक में ज़्यादा रहता है, लेकिन पहली बार क्रूज़र चला रहा हूँ और इतनी सही गाड़ी है ना ये कि मतलब मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं क्रूज़र भी इन फ्यूचर ओन करूँगा। तो अभी की डेट में आज के दिन आप सेटिस्फाइड हो कि 2.5 लाख रुपए जहाँ लगाए वो सही जगह लगे या कुछ पछतावा होता है? पछतावा तो कुछ नहीं होता सीरियसली बोलूँ, क्योंकि मेरे को कंपनी की तरफ से भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है, सर्विस सेंटर में मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, ना अभी तक इससे कोई शिकायत आई है मेरे को, वरना 6 महीने में लगभग लोगों की शिकायत आ जाती है ये वगैरह, मेरे को तो अभी तक कोई शिकायत नहीं आई, जबकि मैंने उसको 120 पे भी चला रखा है, उसके बाद भी ये बहुत रिफाइंड चलती है, बहुत स्मूथ चलती है। भाई इसके साथ बताऊं बात क्या थी कि ये वाला जो इंजन था ना, ये जो इसका पूरा ना सारा फ्रेम वगैरह था, फ्रेम वर्क जो था ना, तो इसके लिए ना रॉयल इनफील्ड ने काफ़ी अच्छी R&D की थी,
मतलब ये प्रोडक्ट के साथ, इसी के साथ ये इंट्रोड्यूस हो रहा था इंजन ना, तो इसके अकॉर्डिंग भी ना इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई किसी और को भी कोई ज्यादा बड़ा इशू आया होगा इस बाइक में। ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है, कहीं अड़ती है? क्लियरेंस इसका बहुत बढ़िया है, नहीं जैसे जावा है, जावा ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स में नीचे अड़ जाती है, ये मेरे दोस्त का भी शिकायत है, उसके पास जावा है। अच्छा, तो ग्राउंड क्लियरेंस आज तक ये नीचे नहीं अड़ी, मैंने उसको थोड़े इधर उधर जगह से भी खुदाया है, मतलब हल्के फुल्के में, इतने में दूसरी गाड़ी अड़ जाती, बट ये अभी तक नहीं अड़ी, टच वुड। तो बाइक लिए तुमने क्रूजर, मतलब ना लंबे टूर वाली, तो कोई प्लान है फ्यूचर में लंबी राइड वगैरह कुछ करने का? बनाओ आप, चलते हैं, बनाओ आप, हमारे पास तो यार 310 आर है, ऑफ रोडिंग में करता ही हूँ वैसे ही, चलो चलते हैं, देखो इन फ्यूचर किसे पता है, चलेंगे देखो साथ में। और इसमें मीटर में MID में क्या क्या फंक्शन मिलते हैं? मीटर में आपको एक तो उसमें ट्रिप टोटल ओडोमीटर मिल जाएगा। अच्छा, ये जो इको लिखा हुआ आ रहा है इसकी बात कर रहे थे तुम? इसी इको की बात कर रहा था मैं, ठीक है। इको के साइड में जीरो जो लिख रहा है, गियर्स के गियर इंडिकेटर से यहाँ पे टाइम आ जाता है, उसके बाद ओडोमीटर आ गया अपना, ओडोमीटर के बाद यहाँ पर एक आई बटन है हैंडल पे ही, उसको टैप करके आप ट्रिप ए ट्रिप बी, और उसके बाद जब आपका इसमें फ्यूल का ये बहुत अच्छा है, जैसे इसमें रिजर्व में आ जाती है गाड़ी, इसमें ट्रिप एफ ऑटोमेटिक आ जाता है। अच्छा, जिसमें गाड़ी लगभग 200 किलोमीटर चल सकती है, लेकिन सजेशन यही रहेगा कि उसको आप 100 किलोमीटर तक ही चलाएं, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन जो बाइक्स होती हैं उसमें कम से कम 2.5 लीटर पेट्रोल रहना चाहिए, वरना इंजन को हाँ वो BS6 वाले नॉर्म में है ये कि बिल्कुल ख़त्म नहीं करना इसमें ना। और इसमें अपने को ना ये DRL भी मिलती है स्टॉक में, बहुत सुंदर लगती है, और इसकी जो हजार लाइट्स लगा के इनको खड़ा कर देना इस गाड़ी को, तो इसका जो रोड, इसका जो प्रेजेंस है ना, वो एक अट्रैक्शन हो जाता है। तो चलो ये था भाई अपना पूरा भाई का एक्सपीरियंस मीटियोर को लेकर के। तो भाई अगर कोई मीटियोर अभी लेना चाह रहा है तो क्या उसे रिकमेंड करोगे तुम? मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर उसको क्रूजर पसंद है तो वो बिल्कुल इस पे जाए। और मैं कहना चाहूंगा अगर दूसरा सेगमेंट भी आप लोग अगर देख रहे हैं तो एक बार मीटियोर जरूर देख कर आए, एक बार उसको एक्सपीरियंस करें, टेस्ट ड्राइव लें, फिर आप अपना डिसीजन लें। और चलो ये तो हुई अभी तक अपना पूरा कम्प्लीट होने को है वीडियो, ये तो हुई अभी तक सारी अच्छाई, कुछ तो नेगेटिव होंगे? नेगेटिव जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मुझे ऐसा लग रहा था इसका इंजन बहुत हीट कर रहा है, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था 350 और रॉयल इनफील्ड, तो जैसा कंपनी ने बताया इतना हीट ये करता है। और स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा सा बस गियर का थोड़ा सा इशू आ रहा था कि गियर बहुत हार्ड हो रखा है ये, बट मैंने कंपनी को बताया था फर्स्ट सर्विस में उन्होंने कुछ किया जिससे वो बिल्कुल स्मूथ हो गया, अब मेरे को तो कोई शिकायत नहीं है इसमें। नहीं जनरली क्या ज़्यादातर बाइक में ये इशू रहता है फर्स्ट सर्विस तक, थोड़े बहुत गियर और लीवर्स जो भी रहते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ना टाइट फील होगा, थोड़ा सा ना हार्ड फील होगा। तो भाई रॉयल इनफील्ड तुमने ले ली, पर ये स्टॉक ही रखा हुआ है तो है कुछ? नहीं, ये स्टॉक ही रहेगा, क्योंकि मेरा पहले मन था कि मैं साइलेंसर चेंज करवाऊंगा, लेकिन इसका जो स्टॉक साउंड है वो इतना शानदार है, इतना शानदार, इतना बेसी सा है, और बिल्कुल भी नहीं चुभता जैसे कि बाकी बाहर से आफ्टर मार्केट लगवा के वो जो चुभते हैं आवाज़। सारी कहानी इस इंजन की है, इस इंजन के साथ साउंड काफ़ी ज़्यादा ना बंधा हुआ एक साउंड आ रहा है इसमें ना, बहुत बेसी और बहुत ज़्यादा स्मूथ, और मतलब कह सकते हैं कि ये चुभने वाला साउंड नहीं है, बहुत है ना सेटिस्फाइंग साउंड है। एक बार करो स्टार्ट करना, कैसा है इसका साउंड? बस रेव मत करो एक बार, इसका साउंड बनता है और अच्छा ना, एक 60-70 की स्पीड लेके क्रूज करते हुए जो करते वक्त। एक जो रिदम बनती है ना, जो इसका थंप आता है, वो चीज ही अलग फील होता है। जब इसको अपन एक्सलेट करके छोड़ते हैं तो जो थंप आता है ना, वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया एनर्जी देता है, और है ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील होता है, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है उससे। तो भाई ये तो हुआ अपना पूरा वीडियो कंप्लीट मीटियोर के बारे में। अब अगर आप लोगों का कोई डाउट हो ना, तो भाई आपको इंस्टाग्राम ID एक बार बोल दो, कोई अगर किसी को डाउट हुआ तो वो तुमसे कांटेक्ट कर सकता है, मतलब अगर कोई भी सजेशन किसी भाई को चाहिए हो। इंस्टाग्राम ID मेरी है _धवल्स DHAWALS _धवल्स_, तो सिंपल सा है, मतलब किसी को कुछ भी पूछना हो पर्सनली मैं बता दूंगा, कि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया उसको लिए हुए, इवन मेरे को ही नहीं, मेरा एक फ्रेंड है उसको मुझसे ज़्यादा टाइम हो गया है, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। अब आप लोगों को मीटियोर की सीट हाइट भी मैं दिखा देता हूँ कि बैठने के बाद अगर आप लोगों की भी शॉर्ट हाइट है, मेरी हाइट है 5'9" 5'10", तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग ना रिलेट कर सकते हो और खुद। तो भाई ये है, दोनों फुट मेरे ना प्रॉपरली फुल टच है फ्लोर पे, और कोई ऐसा इशू है भी नहीं, मतलब कंट्रोल नहीं हो रही, वेट भी कोई इतना ज़्यादा है नहीं, मुझे इससे ज़्यादा ना क्लासिक का वेट फील हो रहा है अभी बैठ के। तो एक बार चलो उसको थोड़ा सा ना
चला के भी देखते हैं कि कैसा इसका ना सिटिंग पोस्चर बैठता है, और आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा एग्जॉस्ट साउंड का रनिंग वाले में सीन, है ना। जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ना, पोस्चर तो खैर है ही, सिटिंग पोस्चर सोफे वाली फीलिंग है, उसके अलावा ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब ना ABS का बाइट भी काफ़ी मतलब एक्यूरेट है टाइम पे, और सीट कंफर्ट भी बढ़िया है। तो जी एंड करते हैं अपना ये वाला वीडियो, होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर कोई डाउट बचे हों, मतलब ना क्लियर होने से रह गए हों, तो वो आप लोग भाई को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, भाई सारे आपको आंसर दे देगा। और कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो भाई जिस तरह से भाई ने मुझे बुलाया मतलब अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ना, उसी तरह से अगर आप लोगों को भी कोई भी आपकी कार हो, बाइक हो, स्कूटी हो, तो ओनरशिप एक्सपीरियंस आप लोगों को भी यूट्यूब के लिए मतलब यूट्यूब ऑडियंस के लिए किसी के लिए शेयर करना हो जिससे किसी की हेल्प हो सके, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम आईडी मेरे नीचे आ रही है, इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे, जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, और आपकी गाड़ियों का भी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।